नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। आज हम सब दोस्त मिलके जा रहे हैं। आज हमारी पार्टी है तीरथगढ़ में, और तीरथगढ़ के पास एक वाटरफॉल कोई और भी है, हम उसको भी जाएंगे और तीरथगढ़ भी देखेंगे। देख सकते हैं आप कितने घने जंगल हैं इधर अभी भी, और बरसात हो गई है तो और बेहतरीन लग रहा है। सिंगल रोड, और यहां से मुड़ना है दोस्तों राइट। अब मुड़ते ही जो व्यू आएगा ना, वो बस्तर की सुंदरता को बढ़ा देता है। ये देखिए कितना बेहतरीन लग रहा है। और ये दोस्तों हम पहुंच चुके हैं, और भीड़ देखिए आप कितनी है इस समय। और आज हम नीचे भी चलेंगे और उसका माहौल देखते हैं। नीचे अच्छा भीड़ होगा लग रहा है देख के, तो ऊपर से और हम पहुंच गए अब ढाबा में। यहाँ पे तो लोकल ढाबा है यहाँ पे, आज हम यहीं पे खाना बनवाएंगे अपने लिए स्पेशल। और बंदर लोगों ने छीन लिया यहाँ पे पैकेट। चलते हैं आगे। आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत यहाँ दिख रहा है, इतना बेहतरीन है। और अभी हम नीचे चलेंगे। और दोस्तों अब हम एक बार सीढ़ी उतर के नीचे आ चुके हैं, और नीचे जो आंखों के सामने नज़ारा है वो देखते ही बनता है। चलिए आपको भी दिखाते हैं। देख सकते हैं आप क्या खूबसूरत है, और अपने पूरे सवाब में बोल सकते हैं आप इसको। और अभी हम नीचे भी जाएंगे एक बार, उसको भी देखेंगे। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। पीछे का व्यू देख सकते हैं, यहाँ जबरदस्त आ रहा है। चलिए आगे चलते हैं नीचे, और बेहतरीन है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों ये सब यहाँ पे पुरानी पुरानी मंदिरें हैं, और जो सबसे ऊपर है वो मेन मंदिर है, पर अब वहाँ जाना बंद है। चलिए दोस्तों देख सकते हैं दोस्तों, ये झरना कितने जगह से गिरता है। आगे पे एक जगह से और गिर रहा है, और आप इसकी चौड़ाई देखिए, वहां से आ रहा है यहाँ, और एकदम आखिर तक भी गिर रहा है। चलिए वहां भी चलते हैं। देख सकते हैं
वहाँ से पानी गिर रहा है, उसको अपन नीचे जाके देखेंगे अभी। ये देखिए नीचे पानी क्या गिर रहा है दोस्तों। अभी हम सबसे नीचे भी जाएंगे जहाँ ये पानी गिर रहा है, तो चलिए देखते हैं एक बार जाके वहाँ क्या है, कितना पानी है। अभी देख सकते हैं दोस्तों, भीड़ भी अच्छी है इस समय क्योंकि बरसात का मौसम है और वाटरफॉल अपने पूरे स्वाब पे है, तो हर जगह से लोग यहाँ आए हुए हैं। अभी एक बार और नीचे चलना है हमको। देख सकते हैं दोस्तों क्या ऊंचे ऊंचे पर्वत, पहाड़ और यहाँ पानी। चलो निकलते हैं और बेहतरीन होगा। उतरने के लिए जो सीढ़ियाँ बनाई गई हैं वो थोड़ी सकरी है लेकिन रोमांचक है। ये देखिए दोस्तों नीचे से ये वाटरफॉल ऐसा दिखता है। देख सकते हैं आप इसकी खूबसूरती। और दोस्तों यहां से गिर के पानी आगे जाके नदी में मिल रहा है। अभी एक साइड से और गिरता है, वो है उधर साइड से, उधर भी हम चलेंगे अभी और देखेंगे। दोस्तों इतना खूबसूरत वाटरफॉल है और इतनी जगह से गिर रहा है बरसात के मौसम में कि सब जगह जाना भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। सिर्फ देखते हैं शायद हम यहाँ पहुँच पाएँ। देख सकते हैं दोस्तों ये एक और साइड है जहाँ से ये वाटरफॉल गिर रहा है और यहाँ से भी उतना ही खूबसूरत दिख रहा है कि इसको कहीं से भी आप देखिए इसकी सुंदरता में कमी नहीं आ रही है दोस्तों। चलिए अब वापस हम ऊपर चलते हैं और ऊपर से देखते हैं, हमारा खाना भी बन गया होगा, नीचे हमने ऑर्डर दे के आया था क्योंकि। दोस्तों ये पुरानी मंदिर और चलते हैं हम इस ऊपर से व्यू देखते हैं। तो दोस्तों अभी हमें सबसे ऊपर तीरथगढ़ में और बहुत ही बेहद खूबसूरत नज़ारा देख सकते हैं। ये एक प्राचीन मंदिर है, उसके बाजू में वाटरफॉल आपको दिख रहा होगा। चलिए चलते हैं नीचे। और दोस्तों अब हम ऊपर आ चुके हैं। देख सकते हैं आप यहाँ खूबसूरती, लोग यहाँ नहा वगैरह भी रहे हैं। ऊपर जो पत्थर लटका हुआ है आप उसको देखिए, तो कई सालों से ऐसे ही लटका हुआ है। चले दोस्तों अब ऊपर चलते हैं। तो दोस्तों अभी हम ऊपर आ गए हैं, अब चलते हैं अपने ढाबा में। और दोस्तों यहाँ देख सकते हैं आप चिकन बनता हुआ, ये हमारा पनीर एकदम देसी स्टाइल में बना हुआ है, भट्टी चढ़ी हुई है, दादा बना रहे हैं यहाँ, हमको बैठ के खाएंगे आज हम। आज का मजा देसी ढाबा का।
का बहुत अनुभव है कारे भाई, नहीं मैं दाल ही बांटता हूं, जल्दी बांटता हूं, बहुत है। तो दोस्तों ये हमारा खाना आ गया, चलिए इसको खाते हैं, ख़त्म करते हैं और मिलते हैं। चलिए दोस्तों, तो घूमना फिरना खाना पीना पार्टी फार्टी सब हमारी हो गई है और अब इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।